हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। और आज हम देख रहे हैं पीडीए टू सीएफजी कन्वर्शन। आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले उसे सीएफजी में कन्वर्ट करना है, तो हमें सीएफजी का बेसिक मालूम होना चाहिए। सीएफजी कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स, वीटीपीएस वेरिएबल, ट्रांजिशन प्रोडक्शन एंड स्टार्टिंग वेरिएबल। सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है, हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है ये दो स्टार्टिंग वेरिएबल। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट Q1, Q1, Q1 सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेट हैं। तो हमने उनसे जो पॉसिबल स्टार्टिंग बन सकती है वो ये रही Q0, Z0, Q0, Q0, Z0, Q1। सिर्फ यहाँ Q0 और Q1 को हमने एक्सचेंज करा हुआ है। अब हम अपने सबसे पहली वाली जो हमें ट्रांजिशन दिख रही है ये वाली, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसे सॉल्व करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और आसान तरीका देखते हैं। ठीक है, मैंने इसे लिखा Q0 A Z0। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें दो चीज दिख रहे हैं, एक दो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। बस आप ये अपने यानी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चार होंगे, तो उसके लिए हम टेबल बना देते हैं। 1 2 3 4 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, ये बात तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हमारी जो दो वेरिएबल हैं उनमें से एक हमारा यहाँ इस सेंटर में आएगा और दूसरा वाला यहाँ इस सेंटर में आएगा, तो सिर्फ फटाफट लिख लेते हैं ए ए ए ए, ये टर्मिनल है एक्चुअली और ये जेड नॉट वेरिएबल है। ये आपको आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद हमारा ये जो है ये हमारी फर्स्ट कॉलम में आता है ए वाली, इसको हम सच उतार लेते हैं, तो हमारा ये तो बन चुका है। अब हम इन वेरिएबल को देख लेते हैं। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये चीज़ यहाँ स्टार्टिंग में आती है, यहाँ पे सेम आप देख सकते हैं, इस पूरे के पूरे कॉलम वाइज ये चीज़ सेम टू सेम उतर रही है, इसलिए मैं इनको पहले लिखवा रहा हूँ। क्यू नॉट यहाँ स्टार्टिंग में सबको आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चाहिए तो यहाँ सेम आ गया ये चीज़, के बाद यहाँ जेड नॉट आ जाएगा, अब जैसा कि आप जानते हैं आपने ट्रुथ टेबल पढ़ा होगा, तो यहाँ देखिए क्या है 0 0 0 0, मतलब 4 बार 0 आ रहा है, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होता है 2 बार 0 2 बार 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार 0 Q0 Q0 Q1 Q1, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हुआ 2 बार 0 2 बार 1, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा यानी 2 बार 0 कितना हो जाएगा 1 बार 0, तो Q0 Q1 Q0 Q1। इतना ही डायग्राम बनने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जो दो एडजेसेंट होते हैं उनका जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा बिल्कुल ही, तो ये चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगी Q0 Q1 Q0 Q1, आपकी ये प्रोडक्शन ही बन गई। और फाइनली जब ये बन रहा तो ये भी किसी ना किसी के सिमिलर तो होना ही चाहिए, तो ये हमारा इसके सिमिलर होता है दिस वन, ठीक है। हम इस चीज़ को यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे Q0 Q0 Q1 Q1, तो आप देख सकते हैं हमारी पहली प्रोडक्शन के लिए हमारा कितने आसानी से हमने बना लिया ये फॉर्मूला यूज़ करके। उसके बाद अगर हम देखें हमारा जो सेकेंड वाला है Q0 A A Q0 A A, इसके लिए सिमिलर मेथड से बन जाएगा, तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम ये थर्ड वाला देखते हैं Q0 B, जहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम देख लेते हैं del Q0 B A gives Q1 A। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्मिनल है, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, मतलब से दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 ओ सॉरी बस, और क्योंकि यहाँ एक ही टर्मिनल है तो एक ही बार ब्लॉक बनाना है। आप जानते हैं ये स्ट्रेट बीच में आता है, इसको हम फिर से बीच में लिख देंगे, हमारा Q1 भी स्ट्रेट आगे आ जाता है, तो ये भी सेम आ जाएगा Q1 Q1, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा ये जो बीच वाला वेरी होता है ये सबसे आगे आता है, तो यहाँ पे B B आ जाएगा, Q
क्यू नॉट सिमिलर है, आगे आगे सेम रहेगा, ये चीज़ यहाँ आती है, हमारा ए यहाँ बीच में आता है ए ए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 0, तो 0 0 के लिए टोटल में क्या हो जाएगा, 0 1, तो Q0 Q1। अब सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वेरिएबल आएगा, यहाँ पे इसके एडजेसेंट तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी, Q0 Q1। इस तरीके से हम सिंगल टर्मिनल वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना सिंगल टर्मिनल वाली वैल्यूज़ हैं, ये 1 और ये 2, ये दोनों सिंगल टर्मिनल वाली चीज़ हैं। लास्ट हमारी ये दो एन है, एन यहाँ पे एप्सिलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलन नल प्रोडक्शंस, ठीक है, यहाँ एप्सिलन मतलब नल प्रोडक्शन की बात हो रही है इनमें, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं एक करके, ठीक है। हमारे ट्रांजिशन हम लिख लेते हैं Q1 A A gives Q1 comma N। देखिए n मतलब एप्सिलन है, तो अगर हम 2 की पावर एप्सिलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये होता ही नहीं है, तो इसके इक्वल टू में कुछ नहीं आने वाला है, आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, यानी यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं बनने वाली, तो सिंगल जो प्रोडक्शन है वो सेम रहेगी, Q1 एज इट इज़ आएगा, ए हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा Q1 है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Q0। बहुत बढ़िया, और इक्विवेलेंट में जो कुछ रहता है वो चला जाएगा ए, यहाँ पर ए था तो ए चला गया, तो हमारी इस तरह प्रोडक्शन बन गई है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो, थैंक यू।